हो, और सिर्फ डीजे आलो की नहीं, आप इस ट्रिक से कोई सा भी कैरेक्टर फ्री में ले सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डीजे आलोक लेके दिखाऊंगा, आप इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर फ्री में परचेस कर सकते हो। तो मैं आपको फटाफट से बताया तो आपको क्या करना है, आपको स्टोर में जाके कैरेक्टर में जाके डीजे आलोक को 10 बार प्रेस करना होगा। डीजे आलोक को आप 10 बार प्रेस कर दीजिए, जैसे मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, और प्रेस करने के बाद आपको परचेज में दबा देना है। आपको यहाँ 599 डायमंड्स दिखा रहा है, आपको उसमें प्रेस करना है, फिर गो टू टॉपअप में आपको दबाना है। आपको यहाँ पे आके टॉपअप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ आके नेट बंद कर देना है, अपना अपना इंटरनेट आपको ऑफ कर देना है। जैसे मैं अपना इंटरनेट ऑफ कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी अपना इंटरनेट ऑफ कर देना है। इंटरनेट ऑफ करने के बाद आपको इस 4000 रुपीज वाले डायमंड के पैकेज में क्लिक करना होगा। एक बार आपको यहाँ पे दिखाएगा नेटवर्क कनेक्शन एरर, आपको ऐसे ही 5 बार ओके में दबाते जाना है। 5 बार याद रखना, 5 बार आपको ऐसे ही ओके में दबाते जाना है। ये दिखाएगा आपका नेटवर्क खराब है, आपको 5 बार दबाते जाना है। 5 बार दबा लेने के बाद आपको अपना नेट वापस से ऑन कर देना है, आपको अपना नेट वापस से ऑन कर देना है। उसके बाद आपको कट कर देना है ये सब, आपको वापस लॉबी में चले जाना है। ये सब कट करके हम वापस लॉबी में आ चुके हैं गाइज। अब लॉबी में आने के बाद गाइज आपको लक रॉयल में दबा देना है, आपको ये वो लक रॉयल में दबा देना है। उसके बाद आपको गोल्ड रॉयल में चले जाना है, जैसे मैं गोल्ड रॉयल में जा रहा हूँ, आपको गोल्ड रॉयल में जाना है और अपने 5 गोल्ड रॉयल वाउचर्स आपको वेस्ट करने हैं। कितने वेस्ट करने हैं? 5 गोल्ड रॉयल वाउचर्स आपको अपने वेस्ट करने हैं। उसके बाद आप जादू देखना गाइज, मैं फटाफट से 5 अपने गोल्ड रॉयल फटाफट से वेस्ट कर देता हूँ, मतलब यूज कर देता हूँ। तो गाइज हमने कर दिया अपने 5 गोल्ड रॉयल वेस्ट। अब हम आ जाते हैं बैक, कट दबा के हम बैक में आ जाते हैं गाइज। बैक आने के बाद गाइज आपको जाना है कैरेक्टर में। गाइज आपके पास जो भी कैरेक्टर अभी इक्विप्ड है डीजे आलोक के अलावा, आपके पास जो भी कैरेक्टर अभी इक्विप्ड है, आपको सबसे पहले उसकी जितनी भी स्किल्स हैं उसे अनइक्विप करना होगा। मैं जैसे अपनी तीनों एबिलिटीज अनइक्विप कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी अपनी तीनों एबिलिटीज अनइक्विप करनी है। उसके बाद कट पे आ जाना है, आपको कट दबा के वापस आपको बैक आ जाना है लॉबी पे। उसके बाद आपको अपने कलेक्शन में जाना होगा, इस याद रखें कलेक्शन में जाना है। कलेक्शन में जाने के बाद आपको जो अपना बैनर है, बैनर आपको सबसे पहले अपने बैनर में जाना होगा। गाइज हम बैनर में आ जाते हैं फटाफट से। गाइज हम बैनर में आ गए हैं। बैनर में आने के बाद आपको अपना बैनर सबसे जो नीचे वाला सबसे पुराना होता है एकदम नूब वाला, आपको वैसा अपना बैनर सिलेक्ट कर देना है गाइज। डिफॉल्ट वाला बैनर आपको अपना सिलेक्ट कर देना है गाइज। और बैनर को डिफॉल्ट में करने के बाद आपको अपने अवतार में आके अपना अवतार भी नूब वाला यानी डिफॉल्ट वाला इक्विप कर देना है गाइज, जैसे मैं कर रहा हूँ। बैनर भी और अवतार भी दोनों को अपने नूब वाला आपको इक्विप कर देना है बस। उसके बाद बैक आके आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके सबसे मेन काम जो हमारा आता है हमारी लैंग्वेज, उससे आपको इंडोनेशिया में सिलेक्ट करना है। इंडोनेशिया में क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि गाइज वहाँ डीजे आलोक फ्री है। किसी ने आपको बताया नहीं होगा गाइज, क्योंकि इंडोनेशिया में डीजे आलोक फ्री है गाइज। आपको इंडोनेशिया अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको अदर्स में जाना होगा गाइज, अदर्स में आपको जाना है। उसके बाद अदर्स में जाने के बाद आपको डायमंड मेंबरशिप और फ्री लक रॉयल, उन दोनों को ऑफ कर देना है। और उसके बाद नीचे जाके आपको सेंड रिपोर्ट कर देनी है। आपको एक बार सेंड रिपोर्ट कर देनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये रहा गाइज हमारा लास्ट में सेंड रिपोर्ट, एक बार सेंड रिपोर्ट कर देनी है। और गाइज रिपोर्ट सेंड करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको एक क्लियर कैश टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको क्लियर कैश ऑप्शन में 10 बार दबाना है गाइज। जी हाँ, आपको 10 बार क्लियर कैश करना है। मैं फटाफट से 10 बार क्लियर कैश कर देता हूँ गाइज। तो गाइज हम फटाफट से 10 बार क्लियर कैश कर देते हैं गाइज। हमने 10 टाइम्स क्लियर कैश कर दिया है। अब हमें बैक आके गेम को रीस्टार्ट करना है ताकि हमारा सर्वर इंडोनेशिया हो सके गाइज। तो हम अपना गेम रीस्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो गाइज हमने गेम रीस्टार्ट करके दोबारा खोल दिया है गाइज। अब देखते हैं गाइज डीजे आलोक हमारा फ्री हुआ कि नहीं। तो गाइज हम फटाफट से कैरेक्टर में चले जाते हैं गाइज। कैरेक्टर में आने के बाद हम फटाफट से अब हम डीजे आलोक को देखते हैं गाइज कि वो फ्री हुआ कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई भी स्किल्स नहीं है, मैंने स्किल स्लॉट्स एम्प्टी कर रखे हैं, सारी ट्रिक मैंने फॉलो करी है। अब देखते हैं गाइज हमें डीजे आलोक फ्री में कैसे नहीं मिलता गाइज। हम नीचे जाते हैं गाइज, ये रहा हमारा डीजे आलोक, हमने अपना सर्वर भी इंडोनेशिया कर दिया है गाइज। अब देखते हैं हमें डीजे आलोक फ्री मिलता है कि नहीं।
अब हम फटाफट से ऑप्टेन में दबा देते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले गाइस फटाफट से वीडियो को एक साथ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। अब हम ऑप्टेन में दबाते हैं गाइस। ये रहा हमारा डीजे लोग गाइस, 599 डायमंड दिखा रहे हैं। अब हम इसमें फटाफट 10 बार क्लिक करके परचेज में दबाते हैं गाइस, परचेज में दबाते हैं। और गाइस डीजे आलोक फ्री हो गया गाइस, इंडोनेशिया सर्वर में डीजे आलोक फ्री था, यहाँ पे हमारा डीजे आलोक फ्री हो चुका है गाइस। अब हम इसे फटाफट से इक्विप करते हैं गाइस फ्री में क्लिक करके। और गाइस हमारे पास डीजे आलोक आ गया। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।